हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हमने लेजिस्लेटिव टॉपिक ख़त्म कर दिया, अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक में एग्जीक्यूटिव। हमने देखा था कि गवर्नमेंट तीन पार्ट से मिलकर बनती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। हमारा जो सिस्टम है उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और उसके बाद क्या है जुडिशरी, जो उसके सेकेंड पार्ट है गवर्नमेंट का जिसको हम पढ़ रहे हैं वो क्या है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य पालिका, यानी जो कानून बनते हैं उनको लागू कराने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट। हमारे देश में क्या है सबसे उच्च पोस्ट, यानी सबसे बड़ी पोस्ट पर कौन है, प्रेसिडेंट। देयर इज़ ए प्रोविजन इन आर्टिकल 52, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में, दैट देयर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत का क्या होगा एक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, और आर्टिकल 53 में लिख रखा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शुड बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। और जो एग्जीक्यूटिव पावर, तो जितनी भी जो कार्य करने की जो पावर होगी यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो किसके हाथ में होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। एंड ही हिमसेल्फ, या तो वो खुद और बाय द फंक्शनरी विल यूज़ इट, या तो वो खुद करेगा या वो किसी के द्वारा इस पावर्स का क्या करेगा, यूज़ करेगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और क्या है कैबिनेट मिनिस्टर है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये सारे लोग किस में आते हैं, हमारे भारत के यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। द प्रेसिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड प्राइम मिनिस्टर विद द कैबिनेट वुड बी द रियल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उसके पास इतनी पावर नहीं है, नॉमिनल यानी वो संविधान के द्वारा तो प्रेसिडेंट क्या है हमारे देश का हेड है, लेकिन पावर के लिए प्राइम मिनिस्टर और उसके जितने भी कैबिनेट के सारे मिनिस्टर है वो एक्चुअल में भारत के क्या होते हैं, रियल हेड होते हैं, यानी कि मेन रियल पावर उनके पास होती है। क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा लिख रखा है कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर तो है लेकिन वो उसका खुद यूज़ नहीं कर सकता, वो क्या है कैबिनेट की मदद से ही उसका यूज़ करेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट तो हमारे देश के रियल हेड होते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से अगर आपसे हेड पूछा जाए तो कौन है, प्रेसिडेंट है। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन इज़ नोन एज द प्रेसिडेंट। लेकिन क्वेश्चन आया कि एक्चुअल हेड कौन है, यानी इंडियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, तब तो आपको आंसर लिखना है प्रेसिडेंट। इंडिया हैज़ अडोप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम टू ब्रिटेन इन विच द स्टेट्यूटरी एंड एक्चुअल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव आर टू डिफरेंट पीपल। इंडिया ने क्या ब्रिटेन की तरह कौन सा सिस्टम लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें संविधान के हिसाब से तो एक हेड है जो है स्टेट्यूटरी हेड। स्टेट्यूटरी का मतलब जो हेड तो है लेकिन उसके पास पावर नहीं है, लेकिन एक एक्चुअल हेड वो अलग है, ऐसे दो अलग लोग है। जैसे अगर हम इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश राज्य परिवार है वो है स्टेट्यूटरी हेड, यानी एक्चुअल हेड तो यानी कि संविधान के हिसाब से तो वो हेड है लेकिन उनके पास पावर नहीं है। और फिर ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है एक्चुअल हेड। तो दो अलग अलग लोग हो गए ना, वैसे हमारे भारत में भी प्रेसिडेंट है वो संविधान के हिसाब से हेड है लेकिन एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, इसलिए एक्चुअल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, स्टेट्यूटरी हेड है, यानी कि जिसको संविधान ने हेड बना रखा है, लेकिन एक्चुअल हेड कौन है उसका जो पावर है वो सेम है। किसकी तरह पावर है, जैसे ब्रिटिश में राजा है तो ब्रिटिश में प्रेसिडेंट नहीं होता, ब्रिटिश में जो किंग होता है वो स्टेट्यूटरी क्या होता है, हेड होता है, और उसका परिवार स्टेट्यूटरी हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्चुअल हेड होता है। अब अगर मान लो किसी को प्रेसिडेंट बनना है भारत का, तो उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहला, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही हैज़ कम्प्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, उसकी एज कितनी हो जानी चाहिए, 35 से ज़्यादा। अभी तक हमने पढ़ा था लोकसभा में 25 से ज़्यादा, राज्यसभा में 30 और 5 और ज़्यादा, प्रेसिडेंट में 35। ही होल्ड द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, उसके अंदर बाकी सारी योग्यता होनी चाहिए कि वो किसका मेंबर बन सके, लोकसभा का मेंबर बन सके। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ ए पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी कैन नॉट बी कंटेस्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके अलावा अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई पोस्ट पे काम कर रहा हो
जिससे उसको पैसा मिल रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पे काम कर रहा हो जिससे पैसा मिल रहा है, या किसी लोकल गवर्नमेंट में किसी पोस्ट में काम कर रहा हो जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसको पैसा मिल रहा है, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट के चुनाव में लड़ नहीं सकता। अगर उसको लड़ना है तो उनको इस पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, यानी इस पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट बी ए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और प्रेसिडेंट जो बनने जा रहा है वो ना लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। इनके कोई भी मेंबर अगर प्रेसिडेंट बनना है तो इनको इनकी मेंबरशिप को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ये प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन किस तरह होता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता हमारे भारत में। डायरेक्ट का मतलब हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को क्या नहीं करते, वोट नहीं देते। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें पीपल वोट देते, यानी हम लोग वोट देते। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं देते, तो इसका मतलब है वो कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब हम जिनको वोट देते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब अगर मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही अगर इनडायरेक्ट हो रहा है, तो इसलिए प्रेसिडेंट के पास क्या नहीं होती, पावर भी नहीं होती। जो डायरेक्ट हम जिनको चुनते हैं उनके पास क्या होती है, पावर होती है। द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन एज अडोप्टेड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया है, इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ किया। और उस मेथड का नाम आपको याद रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये नीचे आ ही रहा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस मेथड को नाम को क्या करना है, याद रखना है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें एक्चुअल में वोट कौन देगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज मेड इनडायरेक्टली बाय सच एज इलेक्ट्रल कॉलेज, यानी एक ग्रुप बनाया जाता है जो जो वोटिंग करता है, संविधान में लिख रखा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रल कॉलेज। क्या बोलते हैं, कॉलेज का मतलब एक ग्रुप है। इन ग्रुप के लोग मिलकर क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो पहला कौन वोट देता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस के लोग। दोनों हाउस का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर है वो सब प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, वोट करते हैं। सेकेंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली इंक्लूडिंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी हमारे देश में 29 स्टेट है, उन हर स्टेट में स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे हमारे राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 मेंबर है, वैसे हर स्टेट में अलग अलग मेंबर है। वो सारे मेंबर भी क्या करते हैं, इनको वोट देते हैं। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी में भी अगर चुनाव होते हों और उसमें असेंबली हो, जैसे दिल्ली में चुनाव होते हैं और उसमें असेंबली है, तो वहाँ के भी सारे जो MLA, हमें आपको अगर याद हो तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को तो MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दोनों क्या करते हैं, वोट करते हैं। पहले यूनियन टेरिटरी वाले नहीं करते थे, लेकिन संविधान के 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 72 वा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1992 में, उसके बाद यूनियन टेरिटरी को भी क्या है, वोटिंग में क्या कर लिया, इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी इनका वोट सिस्टम कैसा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली विद यूनियन टेरिटरी इलेक्ट द प्रेसिडेंट बाई स्पेशल वोटिंग सिस्टम कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यानी सारे पार्लियामेंट के मेंबर, यूनियन टेरिटरी के मेंबर एक स्पेशल प्रोसेस से प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उनको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पोलिंग इन द इलेक्शन इज हेल्ड बाय द सीक्रेट बैलेट एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर कैंडिडेट टू गेट ए मिनिमम कोटा ऑफ वोट फॉर सक्सेस इन द इलेक्शन। इस इलेक्शन का एक कारण होता है, एक तो ये सीक्रेट वोट डालते हैं, यानी सीक्रेट बैलेट का मतलब सीक्रेटली हम लोगों को वोट डालना है, हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम हमारा वोट किसको दे रहे हैं। सेकेंड, इसमें एक मिनिमम कोटा होता है कि इतना वोट तो चाहिए ही है तब जीतेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तो अगर किसी को एक वोट भी अगर ज़्यादा मिल जाता है, एक वोट भी मोर मिल जाता है, तो वो इलेक्शन को जीत जाता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि उसको कितने वोट मिले, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक मिनिमम कोटा होता है कि मान लो 50% से ज़्यादा वोट चाहिए, तो वो चाहिए ही है, तब जाके क्या करता है वो, प्रेसिडेंट इस इलेक्शन को जीतता है, नहीं तो इलेक्शन को नहीं जीत पाता। तो वो मिनिमम कोटा निकालने का फॉर्मूला होता है जितने लोग वोट डाल रहे हैं, यानी वैलिड वोट, जितने लोग वैलिड वोट, यानी उस समय जितने वोट डले
नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड और कितना कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और उसको डिवाइड करना है किससे, 1000 से डिवाइड करना है, यानी कितने लोग कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। मान लो एक जना खड़ा है चुनाव में, दो जना खड़ा है, तो टोटल जितने वोट डल रहे हैं डिवाइडेड बाई जितने कैंडिडेट है उसको डिवाइड करना है 1000 से। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होता है मिनिमम कोटा, उतना वोट उनको चाहिए तभी वो इस चुनाव में जीत सकते हैं। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिपोजिशन इम्पीचमेंट। मान लो आप कोई प्रेसिडेंट बन गया और मान लो वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा, तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट को हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। ठीक है, हिंदी में याद नहीं करना आपको, तो बस ये पता होना चाहिए मेथड ऑफ डिपोजिशन इम्पीचमेंट का मतलब प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया। क्योंकि अगर मान लो कि लोकसभा में और राज्यसभा में कोई कानून पास होके किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए। अब मान लो प्रेसिडेंट साइन ही नहीं करे, लेकिन प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं करे तो इसका मतलब वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है और हमारे देश के कानून को पास होने नहीं दे रहा, तो फिर उसके खिलाफ क्या लाया जाएगा, इम्पीचमेंट लाया जाएगा। तो ये इम्पीचमेंट क्या है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 5 ईयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रहता है भारत में, 5 साल के लिए। ये कहाँ लिख रखा है, आर्टिकल 61 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिख रखा है। नहीं, ये तो 5 साल का होता है, बट यहाँ से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन बी डिपोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई हिम। आर्टिकल 61 में ये लिख रखा है कि 5 साल तक तो रहता है प्रेसिडेंट, लेकिन अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो फिर क्या है कि उसको इम्पीचमेंट के प्रोसेस से क्या किया जा सकता है, अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है। ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू प्रोसिक्यूट हिम। तो कौन सा हाउस प्रेसिडेंट को निकाल सकता है, तो ईच हाउस लिख रखा है। ईच का मतलब लोकसभा चाहे तो भी शुरू कर सकता है प्रक्रिया को, राज्यसभा, क्योंकि दोनों में से एक को शुरू करना पड़ेगा ना, तो लोकसभा भी शुरू कर सकता है, राज्यसभा भी शुरू कर सकता है। फॉर द परमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी ये इम्पीचमेंट चालू करना है तो इसकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसे ही थोड़ी, अगर ये चालू करेंगे तो हमारा तो प्रेसिडेंट की इज्जत क्या होगी, ख़राब होगी, क्योंकि उसके खिलाफ निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसको चालू करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन कैसे मिलती है, द सिग्नेचर ऑफ 1/4 ऑफ द हाउस कंसर्न्ड इज रिक्वायर्ड। यानी अगर लोकसभा चालू कर रहा है तो लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उनका 1/4, यानी जितने भी मेंबर हैं उनके 1/4 के सिग्नेचर चाहिए। अगर राज्यसभा शुरू कर रहा है तो राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उनके 1/4 का क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए कि हम लोग ये चालू करना चाहते हैं। फिर 14 डेज आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल इट शुड बी कंसिडर्ड इन द हाउस विच हैज़ इंडिकेटेड हिम। और उसके बाद जब ये सिग्नेचर हो जाएंगे और ये शुरू किया जाएगा प्रोसेक्शन, उसके 14 डेज के बाद जिस हाउस ने शुरू किया वहाँ पे इसका डिस्कशन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। द हाउस विल मेक कंसिडरेशन ओवर इफ इट द प्रपोजल ऑफ द सूट इज एक्सेप्टेड बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। और उसके बाद 1/4 ने सिग्नेचर किया, 14 दिन का टाइम है, 14 दिन में प्रेसिडेंट अपनी बातों को रखेगा, फिर 14 दिन के बाद इसी हाउस में उसका क्या शुरू होगा, डिस्कशन शुरू होगा, और डिस्कशन शुरू होने के बाद फिर वोटिंग होगी। अब वोटिंग में कितने मेंबर चाहिए, 2/3 मेंबर, यानी कम से कम 2/3 मेंबर अगर वोट करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कहाँ से पास हुआ, जिसने शुरू किया, मान लो लोकसभा ने शुरू किया तो वहाँ से पास हो जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, प्रपोजल इज फॉरवर्डेड टू द सेकेंड हाउस, और फिर ये प्रपोजल कहाँ जाएगा, सेकेंड हाउस में जाएगा। द सेकेंड हाउस विल आइदर इन्वेस्टिगेट इटसेल्फ और अपॉइंट अ स्पेशल कमिटी फॉर द टास्क इफ द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर प्रूव्ड एंड द सेकेंड हाउस आल्सो एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द इम्पीचमेंट बाई एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर देन द प्रेसिडेंट इज डीम्ड टू हैव डिपोज्ड ऑफ फ्रॉम हिज पोस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सेप्टेड ऑफ द प्रपोजल। यानी सेकेंड हाउस फिर चाहे तो खुद चेक कर सकता है प्रेसिडेंट ने ऐसा किया या नहीं किया, या तो कोई एक स्पेशल कमिटी बना देगा, बोलेगा कि आप चेक करो, फिर अगर चेक करने के बाद पता लगा कि हाँ प्रेसिडेंट ने गलत किया तो वो फिर सेकेंड हाउस उस प्रपोजल को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एक्सेप्ट कितनी वोटिंग से करना पड़ेगा, 2/3, यानी बहुत
महत्वपूर्ण है ये 2/3, क्योंकि आप ध्यान रखना 2/3 वोटिंग में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, और जिस दिन 2/3 मेजोरिटी से इस प्रपोजल को अगर मान लिया जाएगा तो उसी दिन से प्रेसिडेंट अपने पोस्ट से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी प्रेसिडेंट अपने जो संविधानिक पोस्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है, उससे अपने आप वो हटा हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, अब उसके पास खुद तो पावर नहीं होती लेकिन सारे काम उसी के नाम पे होते हैं। फैसिलेटिंग द स्टडी ऑल द पावर ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जनरल पावर एंड लाइट। दो तरह की पावर है, एक तो जनरल पावर है और एक इमरजेंसी पावर है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं जनरल पावर। तो जनरल पावर में सबसे पहली पावर है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी सरकार को चलाने की क्या क्या पावर है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी जो सारी कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब किसके ऊपर है, प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद नहीं करता लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तभी सारे काम होते। ही विल यूज इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ और बाई सबऑर्डिनेट ऑफिसर। कुछ पावर है जो वो खुद यूज़ कर सकता है, नहीं तो बाकी पावर के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर का मतलब वही उसके साथ काम करने वाले, यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। इन दिस वे ऑल द वर्क ऑफ गवर्नमेंट वुड बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और सारे काम किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। गवर्नमेंट का कोई भी काम उसमें नाम किसका आएगा, प्रेसिडेंट का ही नाम आएगा, क्योंकि उसके अंदर ही सारी पावर है। बल्कि करता कोई और होगा लेकिन नाम किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज हिस डिसीजन। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेता है, यानी प्राइम मिनिस्टर सरकार को चलाने के लिए जो भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन किसके नाम से लेता है, हिस यानी प्रेसिडेंट के नाम से लेता है। तो सारे डिसीजन किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते, लेता वो बल्कि प्राइम मिनिस्टर है। पहला काम अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर, यानी बहुत सारे जो प्रमुख ऑफिसर है उसको पोस्ट देता भी प्रेसिडेंट है और डिसमिसल यानी उनको पोस्ट से हटाता भी कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन वो किसकी एडवाइस लेनी पड़ती है उसके लिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सारे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखो, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से सारे मिनिस्टर्स को बनाता है, यानी जितने भी मिनिस्टर्स को कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है, लेकिन किसकी एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर जिस जिसका नाम देगा, एडवाइस नहीं है। अब मान लो ये तो ऑर्डर है, वो जो नाम देगा उसी को बनाना है। फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट में गवर्नर है वो भी बनाता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को बनाता है। ऑडिटर जनरल को बनाता है। चेयरमैन और मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बनाता है। फॉरेन में हमारे देश के जितने भी एम्बेसिडर यानी राजदूत है उनको बनाता है। इन सबको कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ही बनाता है। सेकंड, पावर फॉर गवर्नेंस, यानी सरकार चलाने की भी उसके पास पावर है। डिफरेंट रूल कैन बी मेड बाय हिम इन द रिगार्ड, ही कैन मेक द रूल रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज इन सुप्रीम कोर्ट एंड द रूल्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी वो अलग अलग रूल बना सकता है सरकार को चलाने के लिए। वो रूल बना सकता है कि अगर पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बिल को लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दोनों जॉइंट मिलकर, यानी जॉइंट सिटिंग का मतलब दोनों राज्यसभा लोकसभा मिलकर एक साथ किसी कानून को पास करें, उसके लिए भी वो कानून बना सकता है। वो अलग अलग ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज़ को चुनता है सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए। कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी हमारे जो पूरे देश का खाता लिखते हैं उनके लिए भी वो रूल्स बना सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलग अलग, पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग, अलग अलग विभाग को वो बांटता है। जैसे मिनिस्टर्स तो बन जाते हैं लेकिन कुछ मिनिस्टर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, कुछ होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ होते हैं होम मिनिस्टर। इन सबको विभाग यानी पोर्टफोलियोज का मतलब विभाग कौन बांटता है, प्रेसिडेंट बांटता है। पावर इन फॉरेन अफेयर, फॉरेन में उसका प्रेसिडेंट का क्या पावर है, बीइंग द लीगल हेड ऑफ इंडियन यूनियन। आप जानते हो कि कानूनी रूप से तो कौन हेड है इंडिया का,
President, the President represent India in foreign country, appoint ambassador and diplomatic representative for Indian embassy located abroad and accept the certificate of foreign ambassador and diplomats. तो जितने भी foreign country है उसमें भारत को कौन represent करता है? President represent करता है भारत के जितने भी राजदूत है और जितने भी अधिकारी है जो Indian embassy में काम करते हैं. Indian embassy का मतलब हर एक देश में हमारे देश की embassy होती है ताकि वहाँ पर हमारे लोग जो रहते हैं उनकी मदद करने के लिए. उन सबको कौन चुनता है? President ही चुनता है. ऑल पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, और जितने भी हम संधि और एग्रीमेंट करते हैं दूसरे देशों के साथ वो सब पे साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है. यानी हम किसी भी देश के साथ कोई संधि कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कोई ट्रेड डील कर रहे हैं, वो सब किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे होता है. प्रेसिडेंट के पास कोई मिलिट्री पावर है? हाँ, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. यानी हमारे तीनों फोर्स, एयर फोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों का जो सबसे बड़ा कमांडर होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. बट ही कैन यूज़ हिज पावर अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन वो इस पावर का कानून के अनुसार क्या करता है? उपयोग करता है. ओनली पार्लियामेंट होल्ड द पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ डिफेंस सर्विस वॉर एंड पीस. तो बस पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो डिफेंस के बारे में लड़ाई लड़नी है या नहीं करनी, शांति के बारे में कानून बनाता. सो विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नाइदर डिक्लेयर वॉर और नॉर कैन यूज़ द आर्मी. तो वो हेड तो होता है लेकिन पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना वो किसको डिक्लेयर नहीं कर सकता? वॉर को डिक्लेयर नहीं कर सकता और ना ही आर्मी का यूज़ कर सकता है. वो होता सुप्रीम कमांडर है लेकिन वो इन सब का क्या नहीं यूज़ नहीं कर सकता. किसके बिना? पार्लियामेंट की परमिशन के बिना इसका क्या नहीं कर सकता? वो यूज़ नहीं कर सकता. तो सेकंड जो पावर है वो है लेजिस्लेटिव पावर. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज आप इसको इतना क्या करना, कंप्लीट करना, बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो टाइम लगेगा. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.